गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज आप लोग को हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की एकदम आसान ट्रिक बताएंगे। आप देखते ही उसका उत्तर बता देंगे मैक्सिमम 5 सेकंड में। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे आपको तो सबको पता होगा, जैसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 14 का स्क्वायर क्या, सबको मालूम होगा 196। तो आप दो बार इसका गुणा करेंगे तो वैसे तो आपको टाइम लगेगा ज्यादा दो बार गुणा करने पर। तो आप क्या करिएगा, जो यहाँ पे गिनती राइट इसका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अंदर 1, 4 और जो आप बाहर स्क्वायर इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसका इस दोनों का और इस 2 का देखिए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक, इतना करने के बाद आप यही दोनों संख्या का वर्ग करिए, जो दोनों छोटी बड़ी संख्या है। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, दहाई में लिखिएगा 1, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। राइट हो गया। अब यही जो आपका 8 आया है, यही एक अंक छोड़ के एक तरफ इसमें जोड़ दीजिए, है ना, इधर से एक अंक छोड़ देंगे वही 8 जोड़ देंगे, जो यहाँ पे आएगा हमेशा यहाँ पे जोड़ देंगे 6, 9, 1। इस तरीके से आपका आंसर कितना जाएगा, 196। आसान सी ट्रिक से आपको पता हो गया। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 36 का वर्ग आपको निकालना है, 36 का वर्ग नहीं पता तो आप वही करेंगे 3 × 6 × 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई और 2, यहाँ पे 6 × 2 = 12, 12 36। अब आप 3 का स्क्वायर कर देंगे 0, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। अब वही फिर भी स्टेप वही करिए, एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक अंक छोड़ के यहाँ पे 36 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 × 3 = 9, 9 × 3 कितना जाएगा 12। तो इसका स्क्वायर कितना आपको निकल जाएगा, 1296। एकदम आसान से ठीक से आप आ जाएगा। फिर अगर आपको दूसरा निकालना होगा 98 का स्क्वायर कितना होगा, तो फिर आप मल्टीप्लाई करिए 9 × 8 × 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 9 = 18, 18 × 9 = 16, 16 × 9 कितना जाएगा ये दोस्तों, 144 जाएगा। फिर अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना जाएगा, 81 और 8 का स्क्वायर कितना जाएगा, 64। तो एक गिनती उधर से छोड़ के यहाँ पर जोड़ दीजिए इन सबको दोस्तों, देखिए जो ऐड कर देते हैं, यहाँ 4, यहाँ 6, 4 10 के 0, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना जाएगा 8 × 1 = 9। इस तरीके से आपको कितना मिल जाएगा आंसर दोस्तों, 96.04 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आसान से अब आप सेकंड में उत्तर इसका बता सकते हैं, जैसे देखिए किसका निकाल लेते हैं, 25 का निकालना होगा तो 25 का वर्ग निकालने के लिए आप इसका वर्ग कर दीजिए डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका ना, इसका वर्ग 0, 4, इसका वर्ग 5 कितना आएगा, 25 × 5 = 10, 20 इसमें ऐड कर दीजिए आप, हो जाएगा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पे कितना जाएगा 625। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, वर्ग फटाफट से जोड़ दीजिए। और दूसरा कोई लेते हैं, जैसे आपको 48 का वर्ग निकालना, तो क्या करेंगे आप, इसका वर्ग 16 हो जाएगा, इसका वर्ग कितना जाएगा 64, इसका 8 × 16 = 16, 8 × 6 = 32, 32 × 64, इसमें एक अंक छोड़कर जोड़ दीजिए। देखिए आसान से ठीक से आपको आंसर मिलता जाएगा, 6 × 12 = 13, यहाँ पर 1 कितना जाएगा 2। तो आपको आसान से किसी भी नंबर की आप वर्ग निकाल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।